अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारा कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास डेटा, डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। आज हमने देखना है कि वो जो हम इनपुट देते हैं वो एक्चुअली क्या होती है और किस फॉर्म में होती है, ठीक है, और इसी तरह आउटपुट क्या होती है और वो किस फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं जो कि रॉ फॉर्म में होती है, जिसका कोई भी यूज़फुल मीनिंग नहीं होता, उसे हम कहते हैं डेटा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हमें ये कहती है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डेटा। यानी कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास, ऐसी चीज़ें जो मीनिंगलेस हैं, जिनका कोई भी यूज़फुल मीनिंग अभी तक जनरेट नहीं किया गया, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डेटा सेट इकट्ठा करें, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँ कि एक एक पेज निकालें और उस पेज के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर और मार्क्स लिख कर मुझे दे दें। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस डेटा के साथ क्या करना है, इससे किस तरह का मीनिंग जनरेट करवाना है। तो ये जो मैंने एक हमारे पास कुछ चीज़ें इकट्ठी करके रख ली हैं, इन्हें हम कहेंगे डेटा। अभी तक इससे कोई यूज़फुल मीनिंग जनरेट नहीं किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा प्रोसेसिंग की तरफ कि डेटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। अब हमारे पास डेटा तो आ चुका है, ठीक है, अब हमने इस डेटा से कोई यूज़फुल मीनिंग जनरेट करवाना है, तो जाहिर है हमें डेटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो जो ऑपरेशन हम डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उससे कोई यूज़फुल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। कि यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम डेटा को लेते हैं, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इंफॉर्मेशन के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग भी हमने कर ली, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी आपके पास डेटा आ गया था, आपने उस डेटा को प्रोसेस किया, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपके पास कोई यूज़फुल मीनिंग जनरेट हुआ, उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। वापस चलते हैं अपनी उसी एग्जांपल की तरफ जो भी हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी, स्टूडेंट्स वाली, कि हमने एक स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, उनको हमने कहा कि अपना नाम, रोल नंबर और मार्क्स हमें एक पेज पर लिख के दे दें, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इन सारे स्टूडेंट्स में से हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, उस डाटा को एक एक करके प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम हर एक डाटा को चेक कर रहे हैं और इसमें से एट द एंड हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स वाला स्टूडेंट कौन सा है, तो ये जो हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स वाला स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो हमारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने डेटा, डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था। अभी हम यहाँ से पिछले लेक्चर पे चलते हैं। उसमें हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट जनरेट करके दे देती है, ठीक है। तो अभी आज हमने जो डेटा, डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन पढ़े, अब हम इन दोनों को रिलेट करने जा रहे हैं। डेटा अभी हमने पढ़ा, डेटा क्या चीज़ है, हर वो चीज़ जो मीनिंगलेस है, ठीक है। हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था इनपुट, तो जो भी हम इनपुट कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो बेसिकली हमारा डेटा होता है, ठीक है, जिसका अभी तक कोई यूज़फुल मीनिंग नहीं होता। हम सिंपली कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी इनपुट होती है। इनपुट क्या चीज़ है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू सम इनपुट डिवाइस। कि हर वो चीज़ जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के ज़रिए, उसे हम क्या कहते हैं, हमारी इनपुट कहते हैं या डेटा कहते हैं। जैसे ही ये इनपुट या डेटा कंप्यूटर के पास पहुंचती है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। किसके थ्रू प्रोसेस करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर के अंदर होने वाली तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैरी आउट करवा रहा होता है।
अब इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, इसने प्रोसेसिंग कर लिया डेटा के ऊपर। अब प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास डेटा आता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, या वो हमारी आउटपुट होती है। अब वो आउटपुट हम तक कैसे पहुंचती है, आउटपुट हर वो चीज़ है जो हमारे तक पहुंचती है किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए, उसे हम कहते हैं आउटपुट। या अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करते चलें तो रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग गिवन बैक टू यूज़र थ्रू सम आउटपुट डिवाइसेस, कि जब भी हम कंप्यूटर को ही काम करने के लिए कहते हैं, कोई डेटा देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें वो रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा होता है वो किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए रिटर्न कर रहा होता है। तो इसे, इस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन या आउटपुट कहते हैं। अब हम कंप्यूटर से इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल पड़ी है और आपने उसे ओपन करना है, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, माउस के ऊपर जाओगे, ठीक है, कर्सर को जो है वो ड्रैग करोगे उस आइकन के ऊपर जहाँ आपकी फाइल पड़ी है, और उस पर डबल क्लिक करोगे या फिर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस को हम इन तीन स्टेप्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टेप में क्या चीज़ इन्वॉल्व थी। अब देखें, आपने एक फाइल ओपन करनी थी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक डेस्कटॉप बना लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारा वो आइकन है जिसको हमने ओपन करना है, ठीक है। तो यहीं पर स्क्रीन पर हमारे पास हमारा कर्सर भी होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस फाइल को ओपन करने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट दोगे, किसके ज़रिए, किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के ज़रिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट डिवाइस यूज़ होगी वो होगा हमारा माउस, जो क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आप माउस की मदद से इस कर्सर को इस आइकन के ऊपर लेकर जाओगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर को इनपुट दी, हमने कंप्यूटर को बताया कि इस कर्सर को यहाँ से उठाओ और यहाँ ले जाओ, ठीक है। अब कंप्यूटर ने इसे कैसे प्रोसेस किया, जैसे ही माउस मूव हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्टिव हुआ, उसने देखा कि ये जो माउस मूव कर रहा है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके अगेंस्ट मुझे कर्सर को किस डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा। और जैसे ही उसने इस बात का पता चला लिया कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, उसने स्क्रीन के ऊपर इस कर्सर को मूव कर दिया, यानी कि हमें आउटपुट मिल गई, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर आके हमें एक सेकेंड इनपुट देनी पड़ेगी। सपोज कि हमारा ये कर्सर जो है वो इस वक्त मूव करके इस आइकन के ऊपर आ चुका है, अब हमें इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इनपुट देनी पड़ेगी। अब वो इनपुट क्या होगी, माउस की मदद से आप लेफ्ट क्लिक को दो बार क्लिक करोगे या फिर राइट क्लिक करोगे और आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उस मेन्यू में से सबसे पहली ऑप्शन आपको मिलेगी ओपन की, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस को भी इन तीनों स्टेप्स से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा कर्सर इस पर आ चुका था, अब हमने इनपुट क्या दी, हमने माउस को क्लिक किया, तो ये जो हमने क्लिक किया था ये क्या था, हमारी इनपुट थी। अब यहाँ पर फ़ौरन से कौन एक्टिव हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU एक्टिव हुआ, उसने फ़ौरन से चेक किया कि किस आइकन के ऊपर क्लिक हुआ है। जैसे ही उसे ये पता चला, साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि क्लिक किस तरह का किया गया, क्या वो सिंगल क्लिक था, डबल क्लिक था, लेफ्ट क्लिक था या राइट क्लिक था। तो सपोज हमने डबल क्लिक किया था इसके ऊपर अपने लेफ्ट क्लिक से, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा, और जैसे ही ये फाइल ओपन होगी हमें आउटपुट कहाँ पर मिलेगी, हमारी किसी ना किसी आउटपुट डिवाइस पे। और नॉर्मली इस तरह की आउटपुट डिवाइस जो हमें मिलती है वो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन या मॉनिटर के ऊपर हमें मिल रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है जिसकी मदद से हम डेटा देते हैं, उसे प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कोई ना कोई। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन को स्टडी किया। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।